आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न में दिया है द्रव्यमान m और त्रिज्या r के चार ठोस गोलों को चार r भुजा लंबाई के एक हल्के वर्गाकार फ्रेम के चारों कोनों पर इस प्रकार रखा जाता है कि गोलों के केंद्र वर्ग के कोनों के समपाती हों। फ्रेम के तल में लंबवत और उसके केंद्र से गुजरने वाली अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण क्या होगा? तो जैसा कि हम इस प्रश्न में देख रहे हैं कि हमारे पास में एक वर्गाकार फ्रेम है इस तरह से, और इस फ्रेम के चारों कोनों पर आर त्रिज्या के ठोस गोले कुछ इस प्रकार से रखे हुए हैं, कुछ इस प्रकार से होगा। अब ये जो केंद्र हैं और कोने हैं ये दोनों एक ही बिंदु पर हैं, और सभी का जो त्रिज्या है वो आर के बराबर दी गई है सभी गोलों की। तो अब हमें यहाँ पर निकालना है कि फ्रेम के तल के लंबवत और उसके केंद्र से गुजरने वाली अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण क्या होगा। तो यहाँ इसका ये वर्ग का एक केंद्र है, जैसा कि हमें प्रश्न में पूछा गया है कि इसके लंबवत, लंबवत यानी कि ऐसा ले लेते हैं कि एक लंबवत अक्ष है जिसको मैंने क्रॉस से दर्शाया है, और वो इसमें अंदर की तरफ है, पेपर के अंदर की तरफ है, कागज के अंदर की तरफ। तो अब हम यहाँ से अगर इसकी दूरी देखें तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी ये वाली, ये किसके बराबर होगी? जैसा कि हम जानते हैं कि अगर इस वर्गाकार फ्रेम की जो दूरी है यहाँ से यहाँ तक की एक भुजा मान लेते हैं वो d के बराबर है, तो इसका ये वाला जो होगा अगर हम इसको पाइथागोरस प्रमेय से निकालें तो इसको अगर हम यहाँ पर भी थोड़ा सा मिला देते हैं तो हम क्या प्राप्त करते हैं? हम देखते हैं कि ये भी d है और ये भी d है, तो पूरा कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा वर्गमूल, वर्गमूल 2d के बराबर। तो ये यहाँ से यहाँ तक का कितना रह जाएगा? ये रहेगा वर्गमूल 2/2d के बराबर। तो ये हमारा यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकल कर आई है। तो अब हम समांतर अक्ष की परमेय से निकाल सकते हैं कि इस वाले का मान लेते हैं ये a है, a वाले गोले का इसके केंद्र के अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण क्या होगा। तो समांतर अक्ष की परमेय से देख सकते हैं हम, समांतर अक्ष की प्रमेय से, तो समांतर अक्ष की प्रमेय क्या होती है कि अगर हमें यहां से निकालना, मान लेते हैं ये वाला जो हमारा बिंदु है वो मान लेते हैं P है, तो बिंदु P से जो इसका जड़त्व आघूर्ण होगा वो होगा इसका जड़त्व आघूर्ण और ये जो गोला A है जमा यहां से यहां तक की दूरी को, ये मान लेते हैं AP है, तो ये हो जाएगा यहां से यहां तक की M, और ये जो AP है ये वाली दूरी के घात 2 के बराबर। तो जैसा कि हम जानते हैं कि इसका जो जड़त्व आघूर्ण होगा वो किसके बराबर होता है? वो होता है 5/2/5 एम आर स्क्वायर, और ये वाला जो हो जाएगा ये होगा m, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी अभी हमने निकाली है वर्गमूल 2/2, और ये कितना रह जाएगा? ये हो जाएगा d की घात 2 के बराबर। इसको हल करते हैं फिर, और यहाँ पर हम ये भी देख सकते हैं कि जो d का मान है, क्योंकि इसकी जो भुजा है वो 4r के बराबर है, तो d का मान आप यहाँ पर 4r के बराबर भी रख सकते हैं। तो जब हम यहाँ d का मान 4r के बराबर रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा? ये हो जाएगा 2/5 एम आर की घात 2 जमा m, और जब इसका हम घात 2 करेंगे तो हो जाएगा 2/, ये हो जाएगा अब 4, और d की जगह पर हम यहाँ पर रख लेंगे, अभी d की घात 2 ही लिख देते हैं इसको, तो अभी कितना होगा? ये होगा 2/5 एम आर की घात 2 जमा, इससे इसको काट देंगे तो 1/2 एम,
और डी हो जाएगा हमारा 4r की घात 2। इसको दोबारा से हम जो है हल करते हैं तो हमें क्या मिलता है, जो है 2/5 mr³² (1/2), और ये हो जाएगा 16 mr³। इससे इसको काटेंगे तो जाएगा ये 8 बार। तो कितना हो जाएगा ये, अगर हम इसको यहाँ पे लघुत्तम लेते हैं तो ये आएगा 5 2 mr² ये हो जाएगा 5 8 40 mr² और ये पूरा हमें मिलेगा 42 mr² 2/5। तो ये तो हुआ एक गोले की वजह से इसके ऊपर हमारे पास में से 4 गोले हैं, तो जो कुल जड़त्व आघूर्ण होगा इसका, कुल जड़त्व आघूर्ण इसका मान होगा 4 गुणा जड़त्व आघूर्ण किसके द्वारा, ए के द्वारा। तो जब हम इसको करेंगे तो होगा 4 42/5 mr² 2, इसकी गुणा कर देते हैं तो होगा 4 × 2 = 8, 4 × 4 = 16, 161/5 mr³ 2। तो अगर यहाँ हम देखें तो ये हमारा चौथा ऑप्शन सही है। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट IIT JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउट नेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400400400 पर।